हेलो क्लास नाइन्थ। देखिए भाई बेटा, हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर रहे थे। इसमें भी हम लोग ने फिफ्थ तक कर लिया था। यहाँ तक नेटवर्क इश्यू काफ़ी हॉबी हो चुका है इस सीज़न में, दैट्स व्हाई आई एम नॉट टेकिंग क्लास ऑन गूगल मीट। लेकिन मैं गूगल मीट पे जल्दी क्लास लूँगा। फिलहाल अगर कोई डाउट हो, यू कैन आस्क डायरेक्टली, व्हाट्सअप अप कर दिया करें स्क्रीन शॉट लेके, मैं रिप्लाई कर दूँगा आपको, ठीक है ना। फटाफट करूँगा, जितनी जल्दी पॉसिबल होगा आई विल रिप्लाई। लेकिन आप डाउट ज़रूर पूछ लें, क्योंकि अगर डाउट क्रिएट होते जाएगा ना माइंड में, डाउट अगर क्रिएट होता जाएगा माइंड में, तो फिर वही स्टोरेज हो जाता है और फिर वो बर्डन क्रिएट करेगा आपके ऊपर। हालांकि ये वाला चैप्टर जो है CBSE ने NCERT ने निकाल दिया ड्यू टू कोरोना, लेकिन फिर भी अब पढ़ लिया हमने अच्छे से, तो क्वेश्चन भी अच्छे से कर लेते हैं। फिर कल हम लोग की क्लास है फिर से, तो फिर हम उसमें नेक्स्ट चैप्टर वी विल स्टार्ट। ओके, तो फटाफट आज ये तीन चार क्वेश्चन जो बचे हैं उनको फटाफट कर लेते हैं, फिर देन वी विल स्टार्ट नेक्स्ट चैप्टर टुमारो। हाँ, पहला है कि गिव टू रीजंस टू जस्टिफाई वाटर एट रूम टेम्परेचर इज लिक्विड। रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है वाटर, ये सेटिस्फाई करना है। तो अब लिक्विड होता है, तो लिक्विड की प्रॉपर्टी अगर वाटर शो कर रहा है रूम टेम्परेचर, पहली बात तो रूम टेम्परेचर आप लोग हमें बताएंगे, व्हाट्सअप करो कि व्हाट इज़ रूम टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस एज वेल इज़ इन केल्विन। ओके, अच्छा हाँ, चैप्टर फर्स्ट का ही हम लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रहे, मैटर इन आवर सराउंडिंग का एक्सरसाइज कर रहे हैं हम। तो अब रूम टेम्परेचर होता कितना, अब रूम टेम्परेचर पे भी वाटर लिक्विड होता है ये हमें बताना है, ये हमें बताना है। बताना क्या है, ये जस्टिफाई करना है, ठीक है ना। तो विल जस्टिफाई, देखो वाटर एट रूम टेम्परेचर इज लिक्विड। अब लिक्विड क्यों है, पहला आप लोग देखते होंगे ये फ्लो करता है, फ्लूडिटी इसमें होती है। तो मैंने बताया था कि लिक्विड एक प्रॉपर्टी शो करती है फ्लूडिटी, व्हेन वी वेर डिस्कसिंग द चैप्टर फ्लूडिटी, ठीक है ना। तो फ्लूडिटी जब होता है, फ्लूडिटी अगर वो फ्लो कर रहा है यानी कि वो लिक्विड है, ठीक है। दूसरा और क्या लिक्विड की जो करेक्टरिस्टिक है उससे कैसे आप बता सकते हो, कि जैसे अब इसका 0 डिग्री सेल्सियस है मेल्टिंग पॉइंट, हाँ मेल्ट कर जाएगा जीरो पे, और बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री, मतलब इस पर लिक्विड में आ गया और इस पर गैस में जाएगा, और रूम टेम्परेचर इसके बीच कहीं होता है, तो यानी कि वो लिक्विड में ही एग्जिस्ट करेगा। बात समझ में आ गई ना, कि जीरो पे वो मेल्ट हुआ है और 100 पे बॉयल करेगा, मतलब गैस में जाएगा, और रूम टेम्परेचर कहीं इसी के बीच में आता है, वो आप बताएंगे मुझे। तो अगर इसके बीच में आता है इसका मतलब वो लिक्विड फॉर्म में होगा रूम टेम्परेचर पे। तो ये दो कंडीशन हम बता सकते हैं, कि जस्टिफाई कर सकते हैं कि द वाटर इज लिक्विड एट द रूम टेम्परेचर। ओके, सेकेंड है एन आयरन अलमीरा इज़ अ सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, सेम एक्सप्लेनेशन होगा। रूम टेम्परेचर पे अलमारी जो आपके घरों में होती है वो सॉलिड होती है। रीज़न पहला रीज़न तो यही है, रिजिडिटी जो होती है, रिजिडिटी एकदम से रिजिड आपको दिख रही है रिजिडिटी, ठीक है ना, रिजिडिटी हो गई। फिर अब इसका मेल्टिंग पॉइंट, अगर आयरन अगर हम कहीं करेंगे सॉरी मेल्टिंग पॉइंट कहीं 1500 के करीब होता है, और बॉइलिंग पॉइंट कहीं 2800 डिग्री सेल्सियस के करीब होता है, 2850 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। तो अब बॉइलिंग की तो बात ही छोड़ दो, 1500 पे वो तो मेल्ट होगा, यानी कि उससे लोअर टेम्परेचर जितने भी होंगे उस पर वो क्या होगा, सॉलिड होगा। और रूम टेम्परेचर 0 से 100 अभी हमने उस डिस्कस किया इसी के बीच कहीं होता है, तो अगर 0 से 100 के बीच होता है और वो मेल्ट ही करेगा 1500 पे, तो ये भी ये प्रूव करता है कि रूम टेम्परेचर पे ये सॉलिड होगा, क्योंकि 1500 1550 पे तो मेल्ट ही होगा। तो एक दो रीज़न ये हम जस्टिफाई कर दिए इसको, ठीक है बेटा। कोई अगर डाउट हो तो यू कैन हाँ व्हाट्सअप करें तो ज़्यादा सही है, अगर नहीं समझ में आ रहा व्हाट्सअप पर तो यू कैन कॉल मी ऑल्सो। हाँ, अब देखो वाई इज़ आइस एट 273 केल्विन मोर इफेक्टिव इन कूलिंग देन, अच्छा हाँ मैंने बताया था ना कि 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस भी होगा और वाटर भी होगा, तो कूलिंग ये आइस क्यों ज़्यादा करेगा, ये क्वेश्चन है। एक मैंने आपको बताया था लेटेंट हीट, अगर आइस से वाटर बन चुका है यानी कि इसके अंदर जो मॉलिकुलर स्पेस है वो बढ़ चुका है और वो हीट गेन कर चुका है, हीट अगर गेन कर चुका है यानी कि वो हीट गेन करने के बाद अब इसके अंदर कैपेसिटी नहीं है उतनी ज़्यादा हीट गेन करने की, तो जब हीट कर ही नहीं गेन ही नहीं कर पाएगा, तो हीट जब गेन नहीं करेगा तो सामने वाले से हीट लेगा नहीं, तो सामने वाले को ठंडा नहीं कर पाएगा,
आइस क्या है, अभी इस अभी ये कन्वर्ट नहीं हुआ वाटर में, यानी कि वो अभी इसके इंटरमॉलिकुलर स्पेस वाला कॉन्सेप्ट कह लें या हीट लेने की कैपेसिटी कह दें, ये इसमें अभी इसकी तुलना में ज़्यादा है। लेटेंट हीट हमने बताया था ना, लेटेंट हीट जो लेके ये पूरा अपनी एनर्जी बढ़ा लेता है, इंटरमॉलिकुलर स्पेस बढ़ा लेता है, है ना। इसमें अभी कैपेसिटी है हीट लेने की, तो इसके कॉन्टैक्ट में जिसको रखा जाएगा उससे वो हीट इजीली आइस ले लेगा और सामने वाले को जिसके कॉन्टैक्ट में रखा जाएगा उसको ठंडा कर लेगा। तो यू कैन से लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न कह लो, ठीक है ना, लेटेंट ऑफ हीट ऑफ फ्यूज़न इसमें है या ज़्यादा है इस वजह से, या सीधा सीधा अगर नॉर्मल रॉ एकदम रॉ मटेरियल रॉ वर्ड में अगर आपको बोलना है तो इसके अंदर अभी हीट गेन करने की कैपेसिटी आइस के अंदर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर एट द सेम टेम्परेचर इज़ मोर बिकॉज ऑफ द बिकॉज वाई वाटर हैज़ ऑलरेडी गेन्ड द सफिशियंट एनर्जी और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न उसको बोलते हैं, गुप्त उष्मा मैंने एक वर्ड यूज़ किया था, वो इसके अंदर आ चुकी है, इसलिए इसके अंदर कैपेसिटी गेन करने की कम हो चुकी है हीट को वाटर। तो जब हीट गेन ही नहीं करेगा तो सामने वाले को ठंडा ही नहीं करेगा, और आइस इसके अंदर अभी क्षमता है। ओके, तो ये रीज़न हम देंगे 273 केल्विन, मतलब अब भाई 0 डिग्री सेल्सियस को 273 केल्विन बोलते हैं, ये अब मत कन्फ्यूजन है, 273 इज़ 0 डिग्री सेल्सियस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट प्रोड्यूसेस मोर सेवर बर्न्स, बॉयलिंग वाटर आर स्टीम। अब देखो हमें जलन किससे होगी, अगर खौलता पानी अगर हमारे स्किन पे गिर जाए या भाप लगे, तो देखो भाई भाप से हमें ज़्यादा लगेगी। जैसे अगर आप बॉयल कर दो किसी भगोना, मान लो भगोना या पॉट, कोई भी पॉट ले लो, भगोना ले लो, कुछ भी ले लो, उसमें अगर पानी गर्म कर रहे हो तो आप अगर वो गर्म वाला पानी आपके उस पर गिर गया तो आपको कम मतलब होगी फिर भी प्रॉब्लम, लेकिन ये जो स्टीम बनती है ना इसके इससे आपको नुकसान ज़्यादा होगा, क्योंकि वही सेम कॉन्सेप्ट जो लेटेंट हीट इसमें छिपा हुआ है, जो अब जब तक लिक्विड में था तब तक तो हीट मतलब है इसमें भी, लेकिन जब वो गैस में हो रहा है यानी कि वो लेटेंट हीट मतलब हीट ज़्यादा अपने को एनर्जाइज करके तब इस अवस्था में पहुंचा, इस पोजीशन में पहुंचा है ना, लेटेंट हीट इसके पास है गुप्त उष्मा, तो इसके पास जितना है उतना इसके पास तो है ही, लेकिन इसके पास एक्स्ट्रा लेटेंट हीट भी अब आ गया गुप्त उष्मा, तो इसके कॉन्टैक्ट में जब आप आएंगे तो इसके पास एनर्जी ज़्यादा है तो ये आपको ज़्यादा हार्म करेगी ये स्टीम। ओके, लास्ट क्वेश्चन, अच्छा लास्ट में तो नाम देना है, ए सॉलिड से लिक्विड, लिक्विडिफिकेशन, ठीक है ना, फ्यूज़न बोल सकते हो आप, फ्यूज़न, ठीक है ना, लिक्विड से गैस वेपराइजेशन आपको पता है, ठीक है ना, ए बी हो गया, सी है गैस से लिक्विड कंडेंसेशन, लिक्विड से सॉलिड पता है सॉलिडिफिकेशन, ई सॉलिड से डायरेक्ट गैस सब्लिमेशन आई डिस्कस, और गैस से अगर सॉलिड डायरेक्ट रिवर्स में है तो इसको हमने बताया था डिपोजिशन, ठीक है ना। अगर कोई इसमें भी अगर कोई इसमें जैसे सॉलिड से लिक्विड को हम फ्यूज़न भी बोल देते हैं, लिक्विडिफिकेशन भी कहीं कहीं बोलते हैं, लेकिन फ्यूज़न इज़ ए प्रॉपर वर्ड। ओके, लिक्विड से गैस में वेपराइजेशन भी बोलते हैं, अब लिक्विड से गैस में लेकिन इवेपोरेशन भी होता है लेकिन वेपराइजेशन बोलेंगे, ठीक ना, क्योंकि लिक्विड से गैस जाने में हम वेपराइजेशन में हीट देते हैं इसलिए वेपराइजेशन ही यूज़ यहाँ करेंगे। गैस से लिक्विड मैंने बता रखा है कंडेंसेशन, लिक्विड से सॉलिड सॉलिडिफिकेशन, सॉलिड से डायरेक्ट गैस सब्लिमेशन एंड गैस से डायरेक्ट सॉलिड डिपोजिशन। तो ये चैप्टर इज फिनिश, दिस चैप्टर इज फिनिश, नाउ वी विल स्टार्ट नेक्स्ट चैप्टर टुमारो, इफ़ एनी डाउट यू कैन आस्क डायरेक्टली, एंड सॉरी फॉर द लेट वीडियो, लेट अपलोड हो रही है वीडियो, मैं लेट बना भी रहा हूँ क्योंकि अपलोड शाम को ही हो पाती, नेटवर्क इतना, अगर एक बार मैंने लगा रखा था कि सुबह में लगा दिया आपके टाइमिंग पे ही, तो वो अब होता ही है कि उसमें प्रॉब्लम ये हो जा रही है कि वो 6-7 घंटे ले लेता है वीडियो अपलोड होने में, इतने कम MB की, इस वजह से मैं लिंक भेज रहा हूँ, तो लिंक भेजने में भी वीडियो अपलोड करनी पड़ती है मुझे यूट्यूब पे, इसलिए थोड़ा लेट हो रहा है, लेकिन अब जैसे नेटवर्क जैसी सुविधा होगी मैं तुरंत गूगल मीट पे क्लास लूँगा, लेकिन अगर आपको कहीं भी कोई डाउट हो यू कैन आस्क डायरेक्टली। ओके, थैंक यू।